हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जो हमारा एनटीए यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो हमारा परसेंटेज में नहीं बल्कि परसेंटाइल में आता है। दैट्स वाई हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये परसेंटाइल क्या है। वैसे एनटीए यूजीसी नेट ही नहीं, अब काफी सारे एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल में ही आता है। एंड परसेंटाइल परसेंटेज दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। परसेंटेज हमें पता है, जैसे कि हम अब तक देखते आए हैं, फॉर सपोज मैंने यहाँ पर काफी सारी कैलकुलेशंस पहले से ही लिखी हुई है। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये डेविड है। सो डेविड के किसी एग्जाम में 500 में से 450 नंबर आए। सो अभी डेविड को अपनी परसेंटेज जाननी है। वो कैसे जानेगा, जैसे कि परसेंटेज निकालने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, जितने मार्क्स हमारे आए हैं पहले हम वो लिखेंगे, फिर कितने में से आए हैं वो लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। सो सिंपली हमारे पास हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। सो डेविड सिक्योर्ड 90% मार्क्स, यहां पर परसेंटेज हो गई। लेकिन अब डेविड जानना चाहता है कि उसकी परसेंटाइल कितनी है। ठीक है, परसेंटाइल में क्या होता है, परसेंटाइल में ये बताया जाता है कि जितने टोटल स्टूडेंट्स ने जितने एग्जाम दिया है उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, ये आपका इंडिविजुअली होता है किसी एक पर्सन का, जैसे कि डेविड का रिजल्ट हो गया 90%। लेकिन जो परसेंटाइल होता है वो सभी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, किन से कनेक्टेड होता है, जो एग्जाम में बैठे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, किसी एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, 5000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया, और उसमें अपीयर कितने हुए, अपीयर यानी कि कितनों ने दिया। जरूरी नहीं है ना कि कोई फॉर्म 5000 बच्चों ने भरा है तो 5 के 5000 ही दे, कोई एक दो अब्सेंट भी रह जाता है किसी वजह से। ठीक है, सो मान लीजिए 5000 ने रजिस्टर किया था लेकिन उसको सिर्फ 4580 ने ही अपीयर किया, सिर्फ इतनों ने ही उसको अटेंड किया। सो फिर से डेविड के कितने 90% है, लेकिन डेविड को जाननी है अपनी परसेंटाइल की, इसकी परसेंटाइल कितनी है। सो परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या रहेगा, परसेंटाइल का फॉर्मूला ये रहता है कि इसमें आप उन स्टूडेंट्स को निकालिए जिनके आपसे कम मार्क्स है। अगर आपको ये पता है कि कितने कैंडिडेट्स के आपसे कम मार्क्स है तो ही आप परसेंटाइल निकाल पाएंगे। सो सपोज कर लीजिए डेविड को पता है कि 2000 कैंडिडेट्स है जिनके डेविड से कम मार्क्स है। ओके, सो अभी क्या करना है, डेविड की परसेंटेज मैंने यहाँ पे सेम रखी है 90%। सो देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, यहाँ पर आप लिखेंगे उन स्टूडेंट्स का नंबर जिनके आपसे कम मार्क्स है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो नीचे नंबर आएगा कि कितने टोटल अपीयर्ड हुए थे। ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं आएगा, अपीयर्ड आएगा। सो यहाँ पे अपीयर्ड आ जाएगा, और इन सबको पूरा कैलकुलेशन करके 43.66 आया। सो अभी इस परसेंटाइल का मतलब क्या है कि 43.66 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 57 लोग अभी डेविड से ऊपर है। लेकिन यहां पर देखिए, आप एनटीए यूजीसी नेट में जैसे अपनी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, अगर आप ये पूछे, क्योंकि वहां पे तो रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, परसेंटेज में नहीं आता है। सो परसेंटेज निकालने का एक ही तरीका है, जब आपकी आंसर की अपलोड की जाती है एनटीए की तरफ से, आपकी रिस्पॉन्डेड आंसर की भी अपलोड की जाती है और जो उनकी करेक्ट आंसर की है वो भी अपलोड की जाती है। सो आप उसी में अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को केयरफुली आप मैच कीजिए, उसके थ्रू आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज का तरीका होगा। परसेंटाइल तो आपकी उसमें आती है, आपका परसेंटाइल में ही रिजल्ट आता है। सो परसेंटाइल निकालने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, क्योंकि जब कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट देखते हैं सो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटाइल क्या है। ठीक है, सो परसेंटाइल वही होता है कि आपको पता चले, जैसे कि मान लीजिए आपकी 60% है, यानी कि 40% जो बच्चे हैं वो आपसे ऊपर है, उसको 100 में से आप माइनस कर दीजिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कॉमेंट मी इन टू द कॉमेंट सेक्शन।